हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 विद फाइव टाइप ऑफ रिट्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा यदि आप ये जिसने पेपर टू को लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कुछ एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है, इस की कुछ एक सेशन लिए गए थे, आप इनको भी फॉलो कर लीजिए यदि आप थोड़ी बहुत एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसके अलावा हम जब हमारे ये थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस डेली किया करेंगे। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, और ये कब हम कम इन टू फोर्स में आता है, जब किसी पर्सन के इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, ठीक है, और जब भी किसी पर्सन को ऐसा लगे कि मेरे 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 फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है या मेरे को ड्यूली डिप्राइव किया गया, वंचित किया गया है मेरे फंडामेंटल राइट से, तो वो अपने राइट को और जस्टिस लेने के लिए, सीक जस्टिस के लिए जो है वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो है वो रिट फाइल कर सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल करेगा आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट में 226 में फाइल करेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है रिट, ठीक है, और किसी इंडिविजुअल जिस पर्सन के अगेंस्ट जिसने किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का हनन किया है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है जो कि अश्योर करता है, राइट देता है, गारंटी देता है किसी पर्सन को कि आपके आपके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन हम करेंगे, ठीक है। मतलब आर्टिकल 32 में बोला है कि ये एक गारंटी देता है किसी पर्सन को प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, और यहां पर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगा, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, विदाउट परसुइंग ऑफ लॉन्गर प्रोसीजर। जैसे हम जानते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करो तो डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम जब जब फंडामेंटल राइट के इंफ्रिंचमेंट की बात आती है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, आर्टिकल 32 में जाके इन्फोर्स करवा सकते हो थ्रू रिट, ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट को। बात करते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा है कि मेरे से कोई पूछे कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन है, तो आर्टिकल 32 है, और इसीलिए जो है वो उन्होंने डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आर्टिकल 32 में बोला गया। कंसेप्ट एंड पर्पस क्या है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो आर्टिकल 32 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इंडिविजुअल को राइट देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो जब बात आएगी जस्टिस लेने की। यदि आपको फील होता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो आप ड्यूली डिप्राइव, यदि आपके फंडामेंटल राइट को ड्यूली डिप्राइव किया गया या तो आपके फंडामेंटल राइट से जो आपको वंचित किया गया है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, और रिट फाइल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर अपेक्स कोर्ट ने अथॉरिटी दी है कि अथॉरिटी ये कहा है गिवन अथॉरिटी टू इश्यू अ डायरेक्शन की यहां पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है वो इमीडिएट एक्शन लेगा और इश्यू कर सकता है डायरेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा गया। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में गारंटी ऑफ रेमेडी की बात करेंगे, आर्टिकल 32 क्लॉज 2 बात करता है पावर है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि रिट इश्यू किए जा सकती है। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 में बोला है कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पावर दी गई है, ठीक है, पावर की गई है कि आप इश्यू करोगे रिट ओनली किसको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई अदर कोर्ट जो है वो इस रिट का इस पावर का यूज नहीं कर सकता, नॉट एक्सरसाइज दिस पावर, ठीक है। आर्टिकल 32 क्लॉज 4 में बोला सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करेगी, यहां पर बोला कि फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कि गारंटर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन है किसका, फंडामेंटल राइट का, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास थ्री टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल अपेलेट और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, जब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो करते हो, ठीक है, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आती है। अपेलेट जब आप अपील में जाके जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हो तो वो होता है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो एडवाइस मांगी जाती है किसी भी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से, तब आपको एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन देखने को मिलती है। आर्टिकल 32 में आप आर्टिकल 32 जो है वो यूज द पावर ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कि कब कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पावर का यूज कर सकता है, तो जब किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तब, ठीक है, तो किसी भी एरिया में क्या मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है
तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्ट जो है वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा यदि स्टेट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का दूसरे पर्टिकुलर स्टेट के साथ, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, या तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, मतलब किसी भी स्टेट वर्सेज यूनियन या स्टेट वर्सेज स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तब भी जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिट, फाइव टाइप ऑफ रिट दी गई। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है कि प्रोड्यूस द बॉडी। जब भी किसी पर्सन को जो है अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया जाता है तब हम ये इस रिट को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बोले मेन पर्पस क्या है इस रिट का, कि क्लेम करना अगेंस्ट, क्लेम अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और पर्पस क्या है इस रिट का, कि प्रोटेक्ट करना उस इंडिविजुअल को जिसको अनलॉफुल तरीके से डिटेन करा गया है। ठीक है, और अनलॉफुल हार्म जो भी किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, उसको जो है वो रोकना है। ठीक है, जब भी किसी पर्सन को, ठीक है, कन्विक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और उसको लगता है कि मेरे को बिना मेरी गलती के जो है वो कन्विक्ट किया गया, रॉन्गफुली इम्प्रिजन किया गया है, तो वो क्या कर सकता है, राइट टू सीक कर सकता है असिस्टेंट, ठीक है, टू ऑफ कोर्ट टू फाइलिंग दिस एप्लीकेशन। हैबियस कॉर्पस को फाइल करके जो है वो असिस्टेंट ले सकता है कोर्ट से। ठीक है, बात आती है फर्स्ट टाइम जो है हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो फाइल करी गई थी केरला में। ठीक है, और विक्टिम के फादर ने जो है वो रिट फाइल करी थी। विक्टिम जो थे वो कॉलेज का एक स्टूडेंट था, ठीक है, जिसको अरेस्ट किया गया था केरला पुलिस के द्वारा। ठीक है, और वो उस टाइम अपने जो भी उसके साथ टॉर्चर हुआ, पुलिस अथॉरिटी ने जो टॉर्चर किया उसको सहन नहीं कर सका और उसकी वहां पर डेथ हो गई। ठीक है, तो यहां पर हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करी गई थी और उस बाद में प्रूव हो गया था कि वो डेड हुआ है इन द पुलिस कस्टडी। ठीक है, और ये केस भी है डीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का और नारायण वर्सेस ईश्वर लाल का। ठीक है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे हम हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो सस्पेंड नहीं होगी इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी में भी, आर्टिकल 359 में दिया गया। क्वावरेंटो, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि पब्लिक ऑफिस, पब्लिक सर्विस को होल्ड करके बैठा है और वो इंटाइटल नहीं है उसमें, उसको पार्टिसिपेट और होल्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी वो उस ऑफिस में रहता है, तो आप जो है वो क्वावरेंटो रिट जो है वो इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक केस भी है अशोक पांडे वर्सेस मायावती का। ठीक है, मेंडमस, मेंडमस की बात करते हैं कि वी कमांड, लिटरली हम आदेश देते हैं, ये रिट जो है वो प्रोवाइड की जाती है फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन कंपल्सरी एंड एक्सक्लूसिवली मिनिस्ट्रियल ड्यूटी को, कि जब भी कोई अथॉरिटी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी, लोअर कोर्ट या गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं ना, प्रॉपर अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर सुपीरियर कोर्ट और सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो यहां पर उनको कमांड दे सकती है कि वी कमांड। ठीक है, और एक राशिद अहमद वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड का केस है, यहां पर यह बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, केस संबंध में फंडामेंटल राइट का रिलेशन जो है वो द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट बार और इशू ऑफ रिट थ्रू द फैक्ट और मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, कि जो फंडामेंटल राइट और उनकी उपलब्धता है, ठीक है, उस रिट जारी करने के लिए जो है वो पूर्ण बाधा नहीं हो सकती, हालांकि इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और केस है यहाँ पर मंजुला वर्सेस मिंजोरी मंजुला वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पुलिस इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ये जो केस था ये एक पुलिस एक टेक्स्ट बुक जो है वो प्रकाशित की गई थी, इससे रिलेटेड था। ठीक है, यहां पर बोला था कि लोक निरीक्षण निर्देशक, ठीक है, लोक डायरेक्टर अबाउट पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पर एक पब्लिशर, ठीक है, एक पुस्तक के प्रकाशक में जो स्कूलों के जो पाठ्य पुस्तकों के रूप में जो अनुमोदित पुस्तकों की सूची में उनकी पुस्तक को शामिल करने के लिए लोक निर्देशक के खिलाफ जो है वो परमादेश रिट के लिए जो आवेदन किया गया था, क्योंकि लेकिन रिट जो की अनुमति जो है वो नहीं दी गई, क्योंकि ये मामला जो है वो किससे रिलेटेड था, पूरी तरह डिस्क्रिशन था किसमें, डीआईपी पर, डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस इंस्ट्रक्शन पर। ठीक है, तो जो है वो इस रिट को जो है प्रूफ नहीं किया गया था। ठीक है, और उसको डिसमिस कर दिया था। सरसियोररी की बात करते हैं तो सरसियोररी रिट जो है वो लिटरली इसका मतलब क्या है, सर्टिफाई करना। ठीक है,
और ये प्रोवाइड की जाती, मतलब इस रिट को जो है वो प्रोवाइड किया है, मतलब इस रिट को तब इशू किया जाता है जब पावर का रॉन्गफुली यूज कर, जब कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर का रॉन्गफुली यूज करती है, एक्सरसाइज करती है अपनी पावर को, चाहे जजमेंट दे रही है, चाहे किसी भी तरह से अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो जो है वो उसको उसके लिए मतलब तब उसको जो है वो ये रिट फाइल करी जाती है कि आप अपनी गलत तरीके से अपनी पावर को जो है यूज मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय के केस में जो है वो एक्सप्लेन किया था मीनिंग और एम्बिक्ट ऑफ द रिट सर्सियोरिटी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि सर्सियोरिटी जो है वो ऑलवेज अवेलेबल होती है अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट, नॉट इक्वल, कि हमेशा ही जो है सर्सियोरिटी रिट जो है वो अगेंस्ट रिट इशू होगी इंफीरियर कोर्ट, ना कि इक्वल, ना ही हायर कोर्ट। ठीक है, मतलब एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है इस रिट को फाइल नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता। ठीक है, और इन केस ऑफ टीसी बसप्पा वर्सेस टी नगप्पा एंड अदर के केस में यहां पर हेल्ड किया था कोर्ट ने, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हेल्ड किया कि सर्सियोररी जो है वो मे बी एंड जनरली ग्रांटेड होती है जब बात आती है बिना ज्यूरिस्डिक्शन की, विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन एंड एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, जब भी कोई अथॉरिटी अपनी विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन काम कर रही है और एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन अपनी पावर के बाहर जाके जो है वो काम कर रही है, ठीक है, अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर जाके अपनी पावर का यूज कर रही है, तब जाके हम सर्सियोररी रिट जो है वो इशू करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, रोका जाता है कि ये रिट जो है वो कहती है कि रुको, ठीक है, कि दैट रिट जो है और दैट और दिस इज अ रिट जो कि एक ऑर्डर होता है लोअर कोर्ट को कि अवॉइड करने के लिए, जो कि एनीथिंग, कोई पर्सन, कोई भी ऐसा अथॉरिटी है जो कि लॉ से बाहर जाके या लॉ का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, या मतलब लॉ में उस चीज को मना किया गया है वो उसको यूज कर रही है, मतलब उसको उस एक्ट को कर रही है, तो जो है वो इस रिट का यूज किया जाता है, इस रिट को इश्यू किया जाता है। प्राइमरी एम क्या है इस रिट का, कि प्रोहिबिट करना है इंफीरियर कोर्ट को कि फॉर वायलेटिंग दिस अथॉरिटी, ठीक है, कि आप जो है वो इस लॉ का जो है वायलेशन मत करो, ठीक है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है। और बिहेविंग इन द वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन नेचुरल जस्टिस, या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो अपने केस को डिसाइड कर रही है और नेचुरल जस्टिस के नियम का पालन नहीं कर रही, तब भी हम उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं कि आप ऐसा मत करो। ठीक है, एक केस है ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम का, ठीक है, तो इसको भी जो है वो आप देख लीजिएगा। एंड बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड का, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि वेयर द इंफीरियर ट्रिब्यूनल इज शो टू सीज द ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, यहां पर बोला था जो इंफीरियर ट्रिब्यूनल को अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करते हुए यहां पर दिखाया गया था और इससे संबंधित नहीं है कि विचार क्या है, कंसिडरेशन क्या है, इररिलेवेंट है, और यहाँ पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन को इशू किया गया था, तो यहाँ ये कहा था कि एंड द रिट ऑफ प्रोहिबिशन हैज टू बी इशू, क्या है ये, क्या है, राइट है, ठीक है। अब और इसी के साथ हमारा सेशन जो है वहीं तक था, ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हैबियस कॉर्पस क्या है, जब किसी को अनलॉफुल डिटेन किया गया है तब हम इस रिट में को फाइल कर सकते हैं ताकि उसको, उस पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा सके, उस इंडिविजुअल को जिसको कि अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है, ठीक है। सेकंड रिट क्या थी कि आपकी सेकंड रिट क्या थी, क्वा वारंटो, किसी पर्सन ने यदि गलत तरीके से कोई ऑफिस होल्ड किया है वो एंटाइटल नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तब क्वा वारंटो जो है इशू, उसके रिट जो है वो इशू की जाती है उसके खिलाफ। मैंडमस क्या है, वी कमांड, ठीक है, कि हम कमांड देते हैं वहां पर किसी इंफीरियर अथॉरिटी को जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा जो है वो कमांड की जाती है, आदेश दिया जाता है कि आप जो है वैसे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो, ठीक है, यदि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, सर्सियोररी को सर्टिफाइड होता है, और प्रोहिबिशन होता है कि प्रोहिबिट किया जाता है उस पर्सन, उस भी अथॉरिटी को, कि यदि वो लॉ से बाहर जाके वो अपना कोई डिसीजन दे रही है, ठीक है। और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है, यदि आप इसको फॉलो करना चाहते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, अभी तक आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं हो रही है क्योंकि एक्चुअली मेरा हिमाचल का मेंस एग्जामिनेशन है और तो उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसके कारण जो है वो ये प्रैक्टिस एमसीक्यू की नहीं करवाई जा रही है, लेकिन जल्द ही करवाई जाएगी, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।